देखो, ए पॉइंट सोर्स कैपिटल एस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए डाइवर्जिंग मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। तो फिर वही कहानी वापस, ऐसा कि ऐसी बातें कर चुके हैं, सेकेंड टाइम आएंगे। ठीक है, आपको पोजीशन ऑफ इमेज वही चाहिए जहां पर सोर्स है, तो रेज वैसे ही लौटनी चाहिए। तो कब वापस रिटर्न करेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर? जब उसे ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है ना, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग मिरर इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये पूछा वेयर ए डाइवर्जिंग मिरर शुड बी प्लेस, जबकि ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 है, तो पहले आप इसमें इमेज की पोजीशन निकाल लो इस लेंस। ठीक है ना, फिर आप ऐसा सेट कर देंगे कि ये पॉइंट इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए। काफी सिंपल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए। ठीक है, तो वो आप सेट कर देंगे। ठीक है, तो 1/v - 1/u 1/f 30 सेंटीमीटर पर आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 24, मतलब ये डिस्टेंस 24 आ जाए। समझ रहे बेटा, क्योंकि आपको रेज वापस लौटानी है ना, तो इसके कैसे गिननी चाहिए? यहाँ पर ये इमेज बना रहा है, वो पॉइंट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, तो इसलिए वेरी गुड आयान, ये आपका 24 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 - 24 = 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ओपी कितना आ गया आपका? 30 - 24 = 6 सेंटीमीटर। कभी कभार मल्टी करेक्ट में आ जाए, तो उसका एक और आंसर है कि आप जस्ट पोल पर ही इमेज बना दो। ठीक है ना, इससे आप इमेज कहाँ बना दो? जस्ट पोल पर ही बना दो। पोल पे बनाओगे तो वापस मिरर भी पोल पर ही बनाएगा, और वहां से आएंगी तो वापस रिट्रेस हो। ठीक है, या आपने क्या करा, इसमें जहाँ इमेज बना रहा था वहीं पर इसका ऑब्जेक्ट ला दिया, तो ठीक है, फिर वापस लौट जाती है। ठीक है ना, अगर इमेज की जगह अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो जहाँ सोर्स रखा था वहीं पर इस इमेज की वापस इमेज बने। ठीक है, क्योंकि लाइट रेज क्या होती है, अपने पाथ को रिवर्स कर देती। तो मल्टी करेक्ट में इसके दो आंसर है, सिंगल करेक्ट में एग्जैक्ट आंसर 6 सेंटीमीटर ही है। ये एससीवी ने भी दिया है कि नहीं दिया भूल जाता। ठीक है, बट कहीं से एक ऑप्शन भी आया था, तो इसको भी आप गलत नहीं दे रखा है एससीवी में, ये वाला क्वेश्चन। हाँ शायद है, ये करा हुआ है पहले। हाँ ये है, और ये इसके आंसर एक है दो, पता नहीं, वैसे दो आंसर हो जाएंगे मल्टी करेक्ट वाले में, ध्यान रखिए। ठीक है, दो पोजीशन मिरर की है, एक तो इसके यहाँ पर इमेज बन रही, जस्ट वहीं रख दो, तो ये वापस इमेज भी वहीं बना देगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो वापस इसकी इमेज यहाँ पर बन। ठीक है, क्लियर है बेटा ये प्रॉब्लम? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को दो आंसर में इसके, 6 सेंटीमीटर तो ठीक है, वो आ गया आपको कि आपका इससे जो इमेज बनेगी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन भी निकल के आया इस पे कई बार। ठीक है, अगर मल्टी करेक्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो ध्यान से 30 सेंटीमीटर भी टिक करना मत भूल। ठीक है,